पहला सवाल है सर क्वेश्चन। कि हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू बी हैप्पी। हाँ, दो अलग अलग सूरत हाल होती है, एक मुसर्रत है और एक खुशी। दोनों के दरमियान फर्क को समझ लें। मुसर्रत एक कैफियत है और खुशी एक हालत है। मुसर्रत एक कैफियत है और खुशी एक हालत है। हालत जारी होती है और कैफियत तारी होती है। तो आप खुश होते हैं तो उसका इजहार आपके वजूद से, जारी होने वाले हरकात व सकनात से होता है। लोग आपको देख के इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि आप खुश हैं, मगर इस खुशी की जो हालत आपके वजूद से जाहिर हो रही है, इसके पीछे जो कैफियत है वो मुसर्रत की कैफियत है। लिहाजा जब सबसे पहले आप खुशी के एहसास को मसर्रत कहते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आपको कोई खबर मिली तो बहुत खुशी की खबर थी, मगर आप एक ऐसी जगह है कि जहां आप बिल्कुल अकेले हैं और ये खुशी की खबर आपको मोबाइल से मिली, उसके बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, मोबाइल डेड हो गया। अब चार्जर है, आप मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया, वो कोई 5-7 मिनट लेगा चार्ज होने के लिए। इस वक्त इन 5-7 मिनट तक आप किस कैफियत में हैं? यकीनन अगर आप खुशी का कोई भी इजहार करेंगे तो आपके आसपास कोई भी आपको देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप खुश हैं, इसलिए कि आपके अतराफ में कोई नहीं है। तो सबसे पहले इस वक्त जो आपके वजूद के अंदर एक कैफियत है वो किस बात की है? मुसर्रत की है, शादमानी की है ना? तो डेफिनेटली जो हमारे अतराफ में हमारे गिर्द होता है, जो मौजूद में होता है, वो वजूद पे असर डालता है। तो हमारा जहन हमारे अतराफ में होने वाली बहुत सी ऐसी बातों से कि जो हमको ज्यादा मुतासर करती हैं, असर लेता है। जो लोग ज्यादा हसास होते हैं, जिनको आप हाइपर सेंसिटिव या अल्ट्रा सेंसिटिव कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में, वो अपने अतराफ में होने वाले किसी भी परेशान कुन वाकये को, साने को, हादसे को देख के परेशान हो जाते हैं, चाहे उसका ताल्लुक उनसे बरारास्त हो या ना हो। मिसाल के तौर पे वो गरीब आदमी है, किस तकलीफ में, उसको देख के परेशान हो जाते हैं। वो बिल्ली का बच्चा है, भूखा है, उसको देख के परेशान हो जाते हैं। तो इन हालत में जब आपका जहन आपके अतराफ की चीजों का असर कबूल करता है, आप कैसे कैसी हालत में रहें कि जिसमें आप पुरमुसर्रत हो? क्योंकि जब आप डिप्रेस होते हैं या परेशान होते हैं तो उस वक्त आपकी कुव्वत फैसला मुतासिर होती है, और जब आप खुश होते हैं तो आपकी टॉलरेंस लिमिट, दरगुजर की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर आप बहुत गुस्से में हैं, मैंने कोई गलती की है, आपने मुझे बुलाया है कि तुम फौरन मेरे पास आओ, और आपने तय कर लिया है कि आज इसके खिलाफ मैं सख्त तरीन एक्शन लूंगा। मैं अपने कमरे से निकला और आपके कमरे की तरफ जा रहा हूं, इस दौरान आपके मोबाइल पे आपको एक फोन आता है जिसमें कोई बहुत खुशी खबर आपको सुनाई देती है। जैसे ही वो कॉल बंद होती है, मैं आपके सामने पेश हो जाता हूँ। तो आप उस वक्त पता है क्या करेंगे? उस वक्त आप मुझे डांटेंगे, मैंने फिर गलती की ना, खबरदार दोबारा गलती की, जाओ। क्योंकि आप खुश थे लिहाजा आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ गया। जब हम खुश होते हैं हमारा टॉलरेंस लेवल, दरगुजर की सलाहियत बढ़ जाती है, और दरगुजर की सलाहियत बढ़ने की वजह से हमारी अपने अतराफ के लोगों में, अपने अतराफ के लोगों में जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो कबूलियत है, वो बढ़ जाती है। लिहाजा हमेशा बदतरीन हालात में भी अपने आप को इस बात की कोशिश रखें, अपने आप को आमादा रखें इसके ऊपर कि आपका जहन परेशान ना हो उन हालात के मुताबिक। यकीनन उनका एक असर आपके ऊपर होगा, उस असर को खत्म करने के लिए कोशिश करें, जो करें। गरीब के लिए कुछ कर सकते हो तो करें, उस जानवर को पानी पिला सकते हो, खाना खिला सकते हो तो खिला दें, मगर अपने जहन को परेशान ना होने दें। अगर आपका जहन उस बैतनी वाकई हादसे या सानहे के जेर असर आ जाएगा तो आपकी कुव्वत फैसला मुतासर हो जाएगी। फिर उस वक्त आप अपना वो किरदार भी अदा नहीं कर सकेंगे कि जो किरदार अदा करके आपको मुसर्रत हासिल होती और खुशी का इजहार करते आप, जैसे कि गरीब की मदद करना, जैसे कि जानवर को पानी पिलाना या खाना खिला देना। तो हमें हर वक्त इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रहें। इसका बेहतरीन तरीका क्या है? इला बिजिक्रिल्लाह तत्मईन्नल कुलूब।
बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से नसीब होता है। वो चलते फिरते उठते बैठते, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और कहीं बैठ के बस में कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी दावत में खामोश बैठे हुए हैं, आप जुबान से अल्लाह का जिक्र करते रहे, जिक्र के लिए वजू बेवजू की कोई कैद नहीं, आप किसी भी हालत में किसी भी जगह अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। तो इससे बजाय खुद आपको एक इत्मीनान नसीब होगा। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं वो कभी भी अपने बैरूनी वाकयात और सानियात से उस तरह मुतासर नहीं होते जैसे कि एक आम आदमी हो जाता है, क्योंकि उसका जहन इन चीज़ों को कबूल करने के हवाले से कमज़ोर होता है। अल्लाह उसको वो कुशादगी, वो वसीउल कल्बी नहीं देता कि जो अल्लाह वालों के पास होती। तो लिहाजा आदत बना ले आज से, मैं खुद भी यही करता हूँ और आपको वही करने के लिए कहता हूँ कि जो मैं खुद करता हूँ। लिहाजा आदत बना ले अपनी कि जब भी टाइम मिले, टाइम की कोई बात ही नहीं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आप अल्लाह का जिक्र करते रहे। तो इससे आपका जहन हम वक्त बेदार और होशियार और तैयार और चाको चौबंद रहेगा और आपका मौजूद आपके ऊपर वो असर मुरतब नहीं करेगा जिससे आपका जहन परेशान और कमजोर हो जाए। ये आजमाई हुई चीज आपको बताइए, आप खुद आजमा के देख लें इंशाल्लाह। तो जो मैंने कहा है उससे कम नहीं पाएंगे आप, बल्कि उससे ज्यादा पाएंगे।